दोस्तों 21 सितंबर से आईएसएल स्टार्ट होने जा रहा है एंड आज हम बात करने जा रहे हैं एफसी गोवा की पोटेंशियल 11 क्या होने वाली है आईएसएल के आने वाले मैचेस के लिए। सो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गोलकीपर की बात करें तो धीरज सिंह को मैंने यहाँ पर लिया मेन गोलकीपर एंड झिंगन एंड ओडे यहाँ पर मेन सेंटर बैक होने वाले हैं। राइट बैक पर मैंने सैरिटन फर्नांडिस को रखा है एंड लेफ्ट बैक पर मैंने जय गुप्ता को इसलिए रखा है क्योंकि सेवियर गामा सब्स्टिट्यूशन में आकर ज्यादा अच्छा खेलते हैं। इस बात से आप एग्री करते हो तो जरूर मुझे बताना। एंड डिफेंसिव मिडफील्ड देखी जाए तो मैंने पोलो रिड्री को यहां पर रखा है। आप बोलोगे कि कार्ल मैक्यू को क्यों नहीं लिया, क्योंकि मुझे इतने पसंद नहीं है कार्ल मैक्यू। पोलो रिड्री ऑलरेडी एडू बीडिया का रिप्लेसमेंट है, इसीलिए पोलो रिड्री को मैंने यहां पर लिया है एंड उनका साथ देंगे रीनियर फर्नांडिस। सो राइट मिडफील्ड एंड लेफ्ट मिडफील्ड की बात करूं तो राइट मिडफील्ड उदांता सिंह यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे आपको एंड लेफ्ट मिडफील्ड पर ब्रेंडन फर्नांडिस जो कि कैप्टन होंगे एफसी गोवा के, वो यहां पर खेलते हुए नजर आएंगे। एंड अटैकिंग मिडफील्ड की पोजीशन पर विक्टर रोड्रिगेस को मैंने रखा है एंड फॉरवर्ड पे आपको खेलते हुए नजर आएंगे भाई नोहा सदोई, क्योंकि इन्होंने ड्यूरेंट कप में काफ़ी अच्छा किया है और काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने संभाला है फॉरवर्ड लाइन को। इसीलिए मुझे लगता है कि कार्लोस मार्टिनेस को सेकेंड यानी सब्स्टिट्यूशन में उतारा जा सकता है, लेकिन फॉरवर्ड पे मुझे लग रहा है कि प्लेइंग 11 में नोहा सदोई खेलते हुए नजर आएंगे। सो आपको कैसी लगी ये पोटेंशियल 11 जरूर मुझे कमेंट करके बताएं। मैंने एक हद तक काफी अच्छी यहां पर पोटेंशियल 11 तैयार की है जो कि हर टीम को बीट करेगी यानी टक्कर देगी अच्छी। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय, थैंक यू एंड उजो एफसी गोवा।